नगर पालिक निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अजय सिंह से उनके नवा रायपुर अटल नगर स्थित कार्यालय में पहुंचकर मुलाकात की। पार्षद दल के साथ उन्होंने प्रदेश में आगामी 6 माह में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के पहले रायपुर शहर में मतदाताओं परिसीमन से संबंधित समस्याओं के निराकरण के साथ ही मतपत्र के माध्यम से नगरीय निकाय चुनाव कराने की बात कही है। ज्ञापन में परिसीमन से संबंधित विषयों को दृष्टिगत रखते हुए समस्याओं के निराकरण के साथ साथ बैलेट पेपर के माध्यम से नगरीय निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की है। इस दौरान नगर निगम रायपुर के सभापति प्रमोद दुबे, एमआईसी के सदस्य ज्ञानेश शर्मा सहित पार्षद दल मौजूद रहे। जो अभी नए नए बने अजय सिंह जी के पास हम लोग गए थे और उनके पास हम लोग ने जाके करीब 4 या 5 मांग अपनी रखी, प्रमुखता से रखी। उसमें जो प्रमुख मांग जो हम लोग की थी, पिछली सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव कराया था, बड़े शांतिपूर्वक पूरे प्रदेश में चुनाव हुए। हम इस बार भी अजय सिंह साहब से हमने निवेदन किया है कि जो चुनाव होंगे नगर निगम के, नगरीय प्रशासन के या पंचायत, जो भी चुनाव, क्योंकि ये लोकल चुनाव है, तो लोकल चुनाव हमने बैलेट पेपर से कराने की हमने मांग की है। ईवीएम से हमने उनको कहा, ईवीएम से बिल्कुल चुनाव मत कराइएगा, पिछले बार इसमें हो चुका है बैलेट पेपर में, तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। दूसरी मांग हमने ये रखी है कि बहुत सारे लोगों के नाम जो लोग ख़त्म हो गए हैं, उन लोगों के नाम आज भी आते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ऐसे पूरे 70 वार्ड में ये वाली त्रुटियाँ हैं जो ख़त्म हो गए, मगर उनका नाम आज भी जीवित के तौर पर, वोटिंग के तौर पर उनका नाम आता है। तीसरी हमने मांग रखी, जब परिसीमन हो तो परिसीमन के आधार पे जो बराबर, जो जनसंख्या के आधार पे जितनी बराबर, जो पीछे बार त्रुटियाँ रह गई थी वो ऐसे त्रुटियाँ नहीं होना चाहिए। बराबर जितनी जनसंख्या के आधार पर वहाँ पर अगर एक वार्ड में 14,000 है तो दूसरे वार्ड में भी 14,000 होना चाहिए। इस तरीके का हमने परिसीमन की बात कही है।